छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए 3 चरणों में मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तीसरे चरण के अंतर्गत 7 लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। तीसरे चरण में ही रायपुर लोकसभा सीट में निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसके तहत राजधानी के कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत सिंगल विंडो नामांकन दाखिले के लिए बनाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग का कार्य भी शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पूरा क्षेत्र पुलिस प्रशासन की निगरानी में होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो पाए, जिसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए नामांकन स्थल तक 3 वाहनों को अंदर जाने की अनुमति भी दी गई है। साथ ही प्रत्याशी के साथ अतिरिक्त 4 व्यक्ति को ही कक्ष में आने की अनुमति दी जाएगी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया 28 मार्च से 4 अप्रैल तक होगी, उसके बाद निर्वाचन की अन्य प्रक्रिया शुरुआत होगी। देश टीवी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने तैयारी से संबंधित पूरी जानकारी दी। आयोग के निर्देशानुसार जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र का 3rd पेस में चुनाव होना है और तीसरे चरण की अधिसूचना 28 तारीख को जारी की जाएगी, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के कक्ष में जो लोग बैठेंगे उनका पूरा प्रशिक्षण हो चुका है, और अधिकतम 3 वाहन परमिटेड होंगे, उसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है, आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी। और जो लोग इसमें फॉर्म इत्यादि भरेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, उनके लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था हमारे कार्यालय में की गई है। यही कक्ष का 9 में ही कोई भी व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, और 28 तारीख से जैसे नॉमिनेशन चालू होगा तो अपना जमानत राशि जमा करके प्रपत्र फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिदिन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उसको जमा कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष में। कुल वाहन अधिकतम 3 जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं, और प्रत्याशी को मिलाकर अधिकतम 5 लोग रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जा सकते हैं। अन्य जो डेट है इसमें मैं इस बताना चाहूँगा कि जो नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि है वो 4 अप्रैल है, ठीक है, और समीक्षा 5 अप्रैल को की जाएगी, और 8 अप्रैल तक नाम निर्देशन वापस लिए जा सकते हैं। और बाकी आप जान ही रहे हैं कि मतदान 23 अप्रैल को है और मतगणना 23 मई को, ठीक है, तो इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के मतदान के तहत तीसरे चरण में रायपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अधिसूचना 28 तारीख से जारी होने वाली है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रायपुर के कलेक्टोरेट में पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सिंगल विंडो स्थापित किया गया है, जिसमें जो प्रत्याशी 3 वाहनों के साथ ही आ पाएंगे और अपने साथ केवल 5 लोगों को ही फॉर्म भरने के समय अंदर ले जा पाएंगे। सभी जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला निर्वाचन आयोग को दे दी गई है और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कलेक्टोरेट परिसर में कर ली है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।